हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, आज की मूली पराठा की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 6 मीडियम साइज़ की मूली को वॉश करके छिल लिया और उसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस किए हुए मूली से पानी को अच्छे से निचोड़ लें, एक भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मूली के पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने सारी मूली के पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो ये देखें, मूली से सारी पानी निकल गई है। आपको भी इसी तरह मूली को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो चलिए चलते हैं पराठे बनाने के लिए। अब आटे गूंथ लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से गूंथ लें। एक साथ आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छे से गूंथ लें। हमें आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और आटे का अच्छा एक सॉफ्ट डो लगाना है। आप सॉफ्ट डो लगाएंगे तो आपके पराठे भी एकदम सॉफ्ट रेडी होंगे। तो ये देखें, डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ एक प्लेट में क्रश की हुई मूली को रखा है। कुछ धनिया के पत्तों को भी मैंने यहाँ बारीक कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए चलते हैं पराठे बना लेते हैं। डो में से आटे का थोड़ा सा हिस्सा लें और इसे अच्छे से लोई कर लें। अब इसकी एक कटोरी बना लें। तो ये देखिए गाइस, कटोरी बन चुकी है। अब स्टफिंग को भी डाल दें अच्छे से। मैं यहाँ स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप स्टफिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। स्टफिंग में ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें। स्टफिंग को थोड़ा प्रेस करें और इसे अच्छी तरह से सील कर दें। तो मैंने इसे अच्छे से सील कर लिया है। अब हमें इसमें सूखा आटा लगाना है। अब इसे अच्छे से रोल कर लें चपाती की तरह। तो एक पराठे रोल हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक तवे को गर्म करके रखा था, अब पराठे को तवे में डाल दें। अब पराठे के किनारों पे घी या ऑयल लगा लें। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ। अब पराठे को पलट दें। आपको जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं घी या ऑयल। अब पराठे के दूसरे साइड भी घी लगा लें। अब पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। आप पराठे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही सेकें, जिससे कि आपके पराठे चारों ओर से अच्छे से सिक जाएंगे। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। तो ये देखो गाइस, हमारा एक पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हमारा पराठा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे निकाल के टिफ़िन के डब्बे में रख लें। मैं यहाँ आपको मूली के पराठे को स्टफ़ करने के लिए एक ट्रिक और बताती हूँ। सेम प्रोसेस से पहले लोई करें, फिर से रोल कर दें। अब रोल के ऊपर स्टफ को रखें। अब इसे जैसे हम मोमोज फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह फोल्ड कर दें। दोनों में जो भी ट्रिक आपको आसान लगा हो आप उसे यूज कर सकते हैं। फिर इसे लोई कर लें। लोई के दोनों साइड सूखा आटा लगा दें। अब इसे रोल कर लें, जैसे हम चपाती रोल करते हैं सेम उसी तरह से रोल कर लें। तो ये देखें, दूसरा पराठा भी हमारा रोल हो चुका है। अब तवे पे थोड़ा घी लगाएं और पराठे को डाल दें। पराठे के ऊपर थोड़ा घी लगा लें। अब पराठे को पलट लें और दूसरी साइड से भी थोड़ा घी लगाएं। अब इस पराठे को भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। हमें पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे सेकना है, जिससे कि आपके पराठे दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे।
अब हमारा दूसरा पराठा भी बनके रेडी हो चुका है, इसे टिफ़िन के डब्बे में निकाल लें। मैं आपको यहाँ एक लास्ट पराठा रोल करके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस है, पहले लोई करें, फिर उसे कटोरी बनाएं, फिर स्टफ को भरें और फिर सील कर दें। फिर लोई बनाएं, दोनों तरफ सूखा आटा लगा लें, फिर इसे भी चपाती की तरह रोल कर लें। तो हमारा ये पराठा भी रोल हो चुका है। पहले तवे पे घी लगाएं, फिर पराठा को डाल दें। दोनों तरफ से पराठे को अलट पलट के अच्छे से सेक लें, फिर पराठे के ऊपर घी लगाएं, फिर पराठे को पलट लें और दूसरे साइड भी घी लगाएं। पराठे पे अच्छे से घी लगाएं और दोनों तरफ अलट पलट के सेक लें। हमें पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना सेकिए पराठे को, नहीं तो आपके पराठे जल जाएंगे। आपके तवे ठंडे हो जाएं तभी आप फ्लेम को हाई करें, नहीं तो ना करें। आप पराठे को मीडियम फ्लेम पे सेकेंगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे पराठे का क्या कलर आया है, कितना सुनहरा दिख रहा है। तो एक पराठे और सेक लेते हैं गाइस। ये देखें, सेम प्रोसेस से आपको इस पराठे को भी सेक लेना है। दोनों तरफ अच्छे से घी लगा लें और पराठे को अलट पलट के अच्छे से सेक लें। तो आप देख सकते हो गाइस कि हमारा ये लास्ट पराठा भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसे भी टिफ़िन के डब्बे में डाल दें। आज की मेरी मूली पराठा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की मेरे मूली पराठा की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, यहाँ मैंने किसी भी मसाले का यूज नहीं किया है। तो यहाँ मैंने आपको मूली पराठे बनाने की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी दिखाई है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज की मूली पराठा की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, जिसे कोई भी अपने घर पे बना सकता है। इस रेसिपी को बनाना तो बनता है गाइस। और यहाँ मैंने मूली पराठे में कोई भी मसाले का यूज नहीं किया है, और जिसे मसाले खाने बिल्कुल पसंद नहीं है उसे तो ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो ये देखो गाइस, मैं यहाँ आपको एक मूली पराठे को तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखो हमारी मूली पराठे कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो ये लो गाइस, आप लोग भी गर्मा गर्म मूली पराठे ग्रीन चटनी और अचार के साथ खा लो।